संत नामदेव ऐसे विठ्ठल भक्त हुए हैं जिन्हें विठ्ठल नाम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं सूझता। पिता दामा सेठ चिंतित रहते हैं, नामा अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा, केवल भजन करने से तो पेट नहीं भरता। किंतु नामा तो यही सोचते हैं, मुझसे ज़्यादा मेरे विठ्ठल को मेरी और मेरे परिवार की चिंता है। पिता दामा सेठ कपड़े की एक गठरी नामा को देते हैं, कहते हैं जाओ कपड़ा बेच कर आओ। नामा गठरी लेकर चल पड़ते हैं। रास्ते में एक जंगल पड़ता है, ठंड की ऋतु है। नामा जंगल के हर पत्थर पर कपड़ा उड़ाते हैं, यह सोचकर कि इन्हें भी ठंड लगी होगी। बड़े ही दयालु नामा हैं, जो हर जड़ वस्तु में भी जीव की कल्पना करते हैं। बचे हुए कपड़े लेकर हाट में वे बैठ जाते हैं, कपड़ा फैलाकर खुद विठ्ठल का भजन करने लगते हैं। कुछ दूर पर एक व्यापारी बैठा था, उसने सोचा इसे तो आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। वह एक पोटली में कंकड़ पत्थर लेकर नामा के पास आता है और कहता है, तुम ये सभी कपड़े मुझे बेच दो और ये सिक्के रख लो। नामा बड़े ही खुश हो जाते हैं, सारे कपड़े उसे देकर पत्थर की पोटली रखकर घर चले जाते हैं। घर आने पर पिता पूछते हैं, कितनी बिक्री हुई? नामा कहते हैं, सारे कपड़े बिक गए, और वह पोटली पिता को दे देते हैं। पिता जैसे ही पोटली खोलते हैं, प्रभु कृपा से सारे पत्थर सोने और चांदी के सिक्के बन खनकने लगते हैं। नामदेव ये माया नहीं जानते, बस विठ्ठल विठ्ठल।
कपड़े बाजार, तभी तो मिले।